तो एक शॉर्ट्स में मैंने आपको व्हाट्सएप की चार नई अपडेट्स के बारे में बताया था, जिसमें से एक अपडेट ये है कि स्टोरेज एंड डेटा में आपको एक नया फीचर मिल चुका है प्रॉक्सी के नाम से। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको इसके ऊपर में वीडियो चाहिए या फिर नहीं, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इस फीचर को कैसे यूज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे इस फीचर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिससे आप समझ सकती हो कि ये फीचर किस बारे में है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप व्हाट्सएप से किसी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रॉक्सी के थ्रू व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। अब प्रॉक्सी अगर आपको नहीं पता है तो एक इंटरमीडिएट की तरह होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट या फिर ऐप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी अलग कंट्री की या फिर अलग जगह की जो प्रॉक्सी है उसको यूज करके उस वेबसाइट या फिर ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों के मन में भी जरूर आया होगा कि व्हाट्सएप में इस फीचर को देने की क्या जरूरत थी। तो आपको ये जरूर पता होगा कि इंडिया में काफी सारी जो एप्लीकेशन है वो अभी हाल ही में बैन हुई है। जो काफी फेमस एप्लीकेशन थी या फिर जिनको ज्यादातर लोग यूज कर रहे थे वो अभी बैन हो चुकी है। कल को अगर किसी देश में ये एप्लीकेशन बैन हो जाती है, उन लोगों को अगर फिर भी व्हाट्सएप को यूज करना है तो इस प्रॉक्सी की मदद से यूज कर सकते हैं। फीचर किस काम का है और कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको जानना है कि कल को अगर इंडिया में या फिर किसी कंट्री में व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो इस फीचर को यूज कैसे करना है, सिंपली आपको जाना है गूगल पर फ्री प्रॉक्सी लिस्ट सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाएगी जिनमें आपको फ्री प्रॉक्सी दे रखी होगी। आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्री की प्रॉक्सी देखने को मिल जाएगी, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। व्हाट्सएप में आपको जाना है प्रॉक्सी को ऑन करके और वहां पर आपको पेस्ट कर देना है। ये बिल्कुल वीपीएन की तरह ही काम करता है, लेकिन व्हाट्सएप ने ये भी बता रखा है कि आप सभी सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते। 80443 और 5222 पोर्ट्स वाले जो सर्वर है सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट कर सकते हो। तो बस इतना करने के बाद में आप किसी दूसरी कंट्री के सर्वर से व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। अपने दोस्तों को भी अगर आप ये ट्रिक बताते हो तो वो भी आपके साथ में इसी तरीके से चैट कर पाएंगे अगर किसी कंट्री में व्हाट्सएप बैन हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।